हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में जानना। तो अब हम नंबर्स के बारे में देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स में कैसे है? हमारे पास पूछते हैं आपसे कि किस किस तरह से हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास इंडियन सिस्टम। अब नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे वंस प्लेस है, टेंथ प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है, लैक है, थाउजेंड है, इसी तरह से हम नंबर्स के बारे में पता होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो पार्ट्स हैं, कैसे, एक इंडियन सिस्टम आएगा और एक हमारे पास क्या आएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने ये डिजिट्स लिख दिया आपके पास, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4। जब हम ऐसे डिजिट लिखते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं कि कैसे नोट करना है। जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट पीरियड। लास्ट थ्री डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पीरियड। और जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे किस में आते हैं, यूनिट पीरियड में। वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, तीनों किसके अंदर आ गए, यूनिट पीरियड में। उसके बाद फिर हम दो का पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमारे पास थ्री डिजिट्स को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद टू टू का पेयर बनाएंगे। उसके बाद जो दो का पेयर आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, थाउजेंड। उसके बाद क्या आएगा, सिक्स फाइव, अब इसको हम क्या बोल देंगे, लैक। और उसके बाद जो भी डिजिट्स है उसको हम क्या बोल देंगे, वन है या टू है, उसको हम क्या बोल देंगे, करोड़। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, फोर करोड़। कैसे बोलेंगे, फोर करोड़, 65 लाख, 43,214, 65 लाख, 43,214, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे से पूछता है कि कॉमास कैसे लगाते हैं। कॉमास लगाने का भी हमारे पास ये सिस्टम होता है, कैसे, कि लास्ट थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर टू डिजिट्स कॉमा, फिर टू डिजिट्स कॉमा, टू टू डिजिट्स पे हमें कॉमास लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डिजिट है, कोई भी हमने ऐसे डिजिट नोट किया, जिससे हमने इंडियन सिस्टम में किया था उसी तरह से हमने लास्ट वाले जो थ्री डिजिट्स हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, यूनिट पीरियड। उन थ्री डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पीरियड। और ये हमारे पास हंड्रेड होता है, ये हमारे पास टेंस होता है, ये हमारे पास वंस प्लेस है। अब इंडियन सिस्टम में हमने टू टू का पेयर बनाया, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम थ्री थ्री से पेयर बनाएंगे। अब ये थ्री का जो पेयर है इसको हम क्या बोल देंगे, थाउजेंड। उसके बाद फिर से थ्री का पेयर बनाए उसको क्या बोलेंगे, मिलियन। उसके बाद फिर से हमारे पास वन बचता है या थ्री का है या टू का, जितना भी पेयर है उसको हम क्या बोल देंगे, बिलियन, ठीक है। पहले यूनिट पेयर आएगा, फिर उसके बाद थाउजेंड, फिर मिलियन, फिर बिलियन। अब अगर हम इसको लिखेंगे वर्ड्स में तो कैसे लिखेंगे, टू बिलियन, 346 मिलियन, 543,000 एंड 214, 2,346,000, 543,214, ठीक है। और जैसे हमारे पास ये नंबर सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग अब हम थ्री थ्री के पेयर पे कॉमास नोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास से, उसके बाद आता है आपको कन्वर्ट करना, कि हम किससे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यही दे रखा है कि वन मीटर, इनको आपको नोट करना है एंड आपको याद रखना है। वन मीटर 100 सेंटीमीटर, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, एंड वन किलोमीटर, उसके अंदर क्या आएगा, 1000 मीटर आएंगे। वन किलोग्राम में क्या आएगा, 1000 ग्राम आएंगे, एंड वन लीटर में 1000 मिलीलीटर आएगा, ठीक है। अब एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, एक किलोमीटर 1000 मीटर, एक किलोग्राम 1000 ग्राम, और एक लीटर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इस तरह हमें कन्वर्ट करने के लिए आएगा फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है एस्टीमेट। एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, नियर बाई, राउंड ऑफ, ठीक है। एस्टीमेट लगाना कि ये कहाँ है,
नियरली बोलते हैं ना जिससे हम कि ये किसके नियरली है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम. हमारे पास डिजिट क्या है 44. जब हम नियरेस्ट टेंस, आपको ये हिंट में मिलेगा कि नियरेस्ट टेंस निकालना है या नियरेस्ट 100 निकालना है. अगर आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो हम कैसे करेंगे नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस में हम क्या करेंगे 44 है. अब ये पूछ रखा है इसका एस्टीमेट नंबर क्या होगा. एस्टीमेट निकालने के लिए हम किसका क्या देखते हैं उनका वंस प्लेस. इन वंस प्लेस अगर आपके पास वंस प्लेस पे 0 1 2 3 4 अगर आपके वंस प्लेस पे 0 1 2 3 4 है देन वंस प्लेस इज 0 तो आपके पास जो वंस प्लेस है वो क्या हो जाएगा 0. ये क्या आ गया इसका एस्टीमेट. ठीक है नेक्स्ट ले लिया हमने डिजिट 48. अब इसके अंदर क्या आएगा इन वंस प्लेस डिजिट इज 5 6 7 8 9. अगर आपके वंस प्लेस पे 5 6 7 8 9 है तब हम क्या करेंगे तो हमारे पास जो टेंस प्लेस डिजिट है वो किस में हो जाएगा उसके अंदर वन इंक्रीज होगा. 4 के अंदर वन इंक्रीज कर दिया क्या आ गया 5 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 क्योंकि जब हम नियरेस्ट टेंस निकालते हैं नियरेस्ट हंड्रेड निकालते हैं तो हमारे पास हमेशा जो वंस प्लेस होता है वो हमेशा 0 आता है. ठीक है इफेक्ट किस पे डालते हैं अगर हम नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हैं तो टेंस प्लेस पे इफेक्ट डलता है और चेक हम किसको करते हैं वंस प्लेस को. नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं तब हमारे पास किस पे इफेक्ट पड़ता है 100 प्लेस पे. ठीक है उसके बाद नियरेस्ट 100 हमें कैसे निकालना है हमारे पास डिजिट है 321 का हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे. जैसे हमने पीछे वाले में किया था जब नियरेस्ट टेंस निकाले थे तो हम प्लेस किसको चेक कर रहे थे वंस को. अब 100 निकाल रहे हैं 100 से पहले वाला प्लेस क्या होता है टेंस तो अब हम किसको चेक करेंगे टेंस प्लेस को. व्हेन टेंस प्लेस डिजिट इज 0 1 2 3 4 देन अगर हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट 0 1 2 3 4 होगा तो हम क्या करेंगे कि लास्ट टू डिजिट इज 0 कि दोनों लास्ट टू डिजिट्स हैं जो हमारे पास दोनों डिजिट्स हैं वो क्या होंगे 0. ये हमारे पास किसके नियरेस्ट आएगा 300 के. ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट हमने ले लिया 368 है. अब व्हेन टेंस प्लेस डिजिट इज 5 6 7 8 9 अगर आपके पास टेंस प्लेस डिजिट 5 6 7 8 9 है तो हमारे पास क्या चेंज आएगा. अब इसमें देखो टेंस प्लेस डिजिट क्या है 6 है हमारे पास तो इसके अंदर चेंज क्या आएगा देन 100 प्लेस इंक्रीज 1 तो हमारे पास 100 प्लेस है उसमें 1 इंक्रीज होगा. 3 के अंदर ऐड क्या कर दिया 1 4 आ गया हमारे पास 4 और ये लास्ट टू डिजिट से ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 0. ठीक है ये था हमारा नियरेस्ट 100. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 428 अगर मैंने ये बोल दिया नियरेस्ट 100 फाइंड करना है. नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इसका हमारे पास टेंथ प्लेस डिजिट क्या है 2. अब हमारे पास 2 है तो हमारे पास 0 1 2 3 4 जब डिजिट आता है तो हमारे पास लास्ट टू डिजिट क्या होंगे 0 तो इसका नियरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 400. इसी तरह से फिर हमारे पास अगर एक डिजिट मान लिया ये है 472 अब हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट क्या है 7 और जब हमारे पास 5 से बड़ा मीन्स 5 6 7 8 होता है टेंस प्लेस डिजिट तो हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास 100 प्लेस है उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे. 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 और लास्ट टू डिजिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 0. इस तरह हम फाइंड करते हैं नियरेस्ट या एस्टीमेट अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन. ओके थैंक यू.